कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है, आज वो कर्ज चुकाने आया। जन्म जयंती से शुरू करके हर गरीब हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। We pledge to make India developed and self-reliant, nation by 2047, remove any trace of colonial mindset, celebrate our heritage, strengthen unity, and respect those who protect the country, and perform the duties of a citizen. Shukriya, bahut shukriya aapne hamara बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इनको फ्री गैस मिल रहे हैं, आपको मुबारक है, बहुत मुबारक है, इन्होंने ली है। आयल प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने पोजीशन ली है। मैक इकबाल क्लास अलेमत नेशनल खेला हुआ है इन्होंने, एनसीसी में मोहम्मद आसिफ बम्बा कुरैशी। नाला इस तरह से हमारे यहाँ पर कई नाले को भी डेवलप किया जाए। मैं एक बार आके ट्रैकिंग करूंगा स्पोर्ट्स के लिए सर। आपको पता नहीं अफसर बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं सर, बड़े बेहतरीन अफसर हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एलओसी बहुत लंबी है तो जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से वो देखना चाहते हैं कि एलओसी कैसी होती है। आपका तो रोज का होता है लेकिन जो बाहर दिल्ली से गुजरात से महाराष्ट्र टूरिस्ट आता है उसके लिए एक बड़ा खास एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से ऑनरेबल एलजी साहब ने बड़ी सख्त हिदायत दी है कि वैसे इलाकों में भी टूरिज्म का प्रमोशन किया जाए जो अभी तक टूरिज्म मैप पे नहीं थे। इसलिए हमने 75 ऐसे इलाका जात शॉर्टलिस्ट किए हैं और उनको प्रमोट करना शुरू किया है। हमारी कोशिश है कि उड़ी बुनियार जैसा खूबसूरत इलाका उस लिस्ट में आ जाए। हमें आपसे ये तआवुन चाहिए कि यहाँ के लोग नौजवान ख़ास तौर पे हमसे जुड़ जाए, मैं उनकी ट्रेनिंग या स्किलिंग कराऊंगा। होम स्टेज का ख़ास तौर पे मैं कोशिश ये करूँगा, हमारे एडी साहब हैं मैं उनको हिदायत दूंगा कि बारामूला में उड़ी में बुनियार में ट्रैकिंग का बड़ा ज़्यादा ऑप्शन है। तो यहाँ ट्रैकिंग के रूट्स बहुत सारे हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर, अभी मैं SDM साहब से बात कर रहा था, तो 10 किलोमीटर अगर ट्रैक करें तो आप गुलमर्ग पहुँच जाएंगे। तो वो जो तमाम चीज़ें हैं उस जानेब हम ख़ास तौर पे तवज्जो दिए जाएंगी। और आपकी नौजवानों की मैं चाहता हूँ कि यहाँ आप युवा टूरिज्म क्लब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हिदायत दी थी सब टूरिज्म मिनिस्ट्री को और टूरिज्म डिपार्टमेंट्स को कि आप हर गांव देहात जाके युवा टूरिज्म क्लब्स इसको रोक दें या तो निकाल दें। गांव देहात में युवा टूरिज्म क्लब बनाएं। युवा टूरिज्म क्लब का मनीबुतिका ये है कि आप यूथ क्लब टाइप बनाएं जो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म महकमे से ताल्लुक रखता है कि होम स्टे बनाएं, उनकी अब किस तरह से स्किलिंग कराए जा सकते हैं, ट्रेनिंग कराई जा सकती है। तो मैं चाहता हूं कि आप बुनियार में और SDM साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उड़ी में प्लीज़ हैव सम काइंड ऑफ यूथ क्लब इनिशिएटिव टेकन। वी विल डू व्हाटएवर नीड्स टू बी डन उसकी ट्रेनिंग कराने के लिए और उनको टूरिस्ट गाइड्स बनाने के लिए, ट्रैकिंग गाइड्स बनाने के लिए, एडवेंचर टूरिज्म में डालने के लिए। तो उस तमाम चीज़ से आप लोगों के नौजवानों को एक तो रोज़गार का सबील मिलेगा। और विजन उड़ी ज़िला बारामूला के एक दूरदराज गाँव बुनियार में विकसित भारत संकल्प यात्रा
का पड़ाव था, इसमें बहुत बड़ी तादाद में आम लोगों ने हिस्सा लिया, तमाम महकमा जात ने हिस्सा लिया, यहाँ स्टॉल्स लगाए गए। गवर्नमेंट स्कीम्स का मेन क्रक्स सम एंड सब्सटेंस आम लोगों तक पहुँचाया गया, बहुत बड़ी तादाद में जैसे मैंने कहा लोगों ने हिस्सा लिया है, बेनिफिशरीज़ के साथ मेरी इंट्रैक्शन रही। इसके अलावा अजी उज्ज्वला स्कीम के बेनिफिशरीज़ को गैस चूल्हे दिए गए, आयुष्मान भारत के कार्ड्स दिए गए, इलाहाबाद अजी जो रेवेन्यू महकमे ने यहाँ लैंड पासबुक्स दिए थे वो आज यहाँ ज़िला इंतज़ामिया ने डिस्ट्रीब्यूट करवाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे मुल्क में हो रही है और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में बढ़ चढ़ के जोश व खरोश से लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपने देखा, खुद देखा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच को कितना जोश व खरोश से लोगों ने यहाँ सुना और उस स्पीच को, उसकी सब्सटेंस को सही मानों में इम्बाइब किया और अपने दिलों में उतारा। मेरा ये भी मानना है कि इस तरह के फंक्शंस, इस तरह के इवेंट्स लोगों और सरकार के दरमियान रिश्ते को और उस्तवार करते हैं और मुस्तहकम करते हैं। मेरी पूरी उम्मीद है कि जो ये बेहतरीन स्कीम्स हैं, ख्वा वो जल जीवन मिशन हो, ख्वा वो उज्ज्वला स्कीम हो, ख्वा वो आयुष्मान भारत स्कीम हो, ख्वा वो कोई ऐसी स्कीम हो जो एग्रीकल्चर की स्कीम, पीएम सम्मान निधि, इन तमाम स्कीम्स का फ़ायदा आम लोगों तक लास्ट माइल तक, ये यहाँ एलओसी बड़ी नज़दीक है, मुझे नहीं लगता कि हमारे मुल्क का कोई और हिस्सा होगा जो इतना दूरदराज और उफ्तादा होगा। पहाड़ी इलाका है, आप देखते हैं हम बिल्कुल जंगल के बीचों बीच खड़े हैं लिटरली। तो इस जैसे इलाके में भी ये मैसेज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की परकुलेट कर गई है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आके रीच आउट करके आम लोगों के घरों तक, डोर स्टेप्स तक इन स्कीम्स का फ़ायदा, इनका इस्तेफादा लोगों को दिलाने की कोशिश कर रही है और इसमें कामयाबी हासिल करती है। इस मौके पे मैं ज़िला इंतज़ामिया बारामूला का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस पैमाने पे लोगों को इन्वॉल्व करना और इस पैमाने पे लोगों के साथ आउटरीच करना अपने आप में बहुत बड़ा एक काम है। उन्होंने इसको अच्छे तरीके से, मुस्तहकम तरीके से अंजाम दिया है। मैं ख़ास तौर पे खराज तहसीन अदा करना चाहूँगा ज़िला इंतज़ामिया की और उन तमाम महकमों की जिन्होंने आज हिस्सा लेते हुए आम लोगों के साथ अपने रिश्ते को एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस मैकेनिज्म्स और पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का इससे बेहतरीन तरीका, विकसित भारत संकल्प यात्रा से बेहतरीन तरीका कोई नहीं। आई थिंक दिस इज़ ए मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू सेलिब्रेट एंड ए मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक श्योर दैट ऑल दी स्कीम्स, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म है कि इनको सैचुरेट किया जा सके और लास्ट माइल तक, लास्ट बेनिफिशरी तक इन तमाम स्कीम्स को पहुँचाया जा सके। हमारी जम्मू कश्मीर में पोजिशन इन तमाम स्कीम्स में बहुत अच्छी है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जब तक लास्ट पर्सन, लास्ट माइल, लास्ट घर तक इन तमाम स्कीम्स का फ़ायदा नहीं, हम अपना कोशिशें जारी रखें और उसी जानब ये कदम उठाया गया और उम्मीद है कि आगे चल के इससे बेहतर और मुस्बत नतीजे निकलेंगे।